सब्सक्राइब कीजिए अनपेड गुरुजी चैनल को, दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है। दोस्तों, प्रदेश में जो 68,500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जैसे कि उसमें कुछ नियुक्तियाँ भी हो चुकी थी, उसी के संबंध में एक शासन द्वारा पत्र जारी किया गया है। तो ये बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आज आ रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे चैनल के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं वो खबर क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन के जो विशेष सचिव हैं श्री देव प्रताप सिंह, उन्होंने 20 फरवरी को एक पत्र जारी किया हुआ है, जो पत्र 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 कट ऑफ से रिलेटेड है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो पत्र जारी किया गया है, जो डिस्पैच किया गया है, वो 20 फरवरी 2019 को डिस्पैच किया गया है। और ये जो पत्र जारी किया है, वो किया है उत्तर प्रदेश शासन के जो विशेष सचिव हैं देव प्रताप सिंह, उन्होंने जारी किया हुआ है। दोस्तों, ये जो पत्र है वो है सहायक अध्यापक, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 आहार अंक हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 21/5/2018 को अतिक्रमित करने के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 30-33 कट ऑफ का संशोधित शासनादेश था, वो 21/5/2018 को जारी किया गया था। तो ये जो आदेश है, वो उसी शासनादेश को अतिक्रमित करने के संबंध में है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिया गया है यहाँ पर, अतः सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के आहार अंक के संबंध में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक, मतलब जो 30-33 कट ऑफ का जो शासनादेश था, जो 21/5/2018 को जारी किया गया था शासन के द्वारा, को अतिक्रमित किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट लिखा हुआ है, देख सकते हैं, को अतिक्रमित किया जाता है। आहार अंक के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश 9/1/2018 प्रभावी रहेगा। स्पष्ट रूप से दिया गया है 9/1/2018 प्रभावी रहेगा। जो दोस्तों 9/1/2018 का जो शासनादेश था, वो था जिसमें कट ऑफ 40 और 45 को मेंशन किया गया था। तो यहाँ पर पूरा स्पष्ट किया कर दिया गया है शासन के द्वारा, जो 30-33 का संशोधित कट ऑफ था, उसे अतिक्रमित कर दिया गया है, या हम कह सकते हैं उसे निरस्त कर दिया गया है। और जो पहला वाला जो आदेश था 9/1/2018 का 40-45 कट ऑफ का, उसे लागू किया गया है या उसे प्रभावी किया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है बेसिक शिक्षा विभाग से